जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। क्लियर सी जीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक जिले के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जांजगीर चांपा जिले के बारे में। साथ ही साथ जो इस बार 15 अगस्त को घोषणा हुई है कि जांजगीर चांपा जिले से एक जिला सत्ती को काट कर एक अलग बनाया जाएगा, एक नए जिले का निर्माण होगा, तो वो जिले का निर्माण किस प्रकार से होगा, उसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल होंगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावना है। ऑफिशियल डाटा जब आएगा, जब अधिसूचना जारी होगी, तब हम लोग इसको एक बार और करेंगे। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, जो चीज़ें हैं, जो जगह है, वो कभी नहीं बदलती हैं। केवल मानचित्र में परिवर्तन होगा, कुछ आंकड़ों में परिवर्तन होंगे, वो सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, उसको हम लोग कर लेंगे। बट जो जगह है नहीं बदलने वाली है, तो उनको हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। एक बार में, एक वीडियो में हम लोग दो जिला जांजगीर चांपा और सत्ती के बारे में बात करने वाले हैं। फिर जैसे ऑफिशियल आएगा, हम लोग उसके बारे में एक बार और वीडियो बनाएंगे, तब बनेगी बनेगी। बट जो चीज़ें मेन हैं, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जैसे अभी हम लोग बात करेंगे पुरानी परिस्थिति के अनुसार, आज 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर के अनुसार क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होने वाली है, क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति में जांजगीर चांपा जिला बोले या सत्ती जिला बोले, एक ही के अंतर्गत आ रहा है। जांजगीर चांपा के अंतर्गत ही सत्ती आ रहा है, तो वैसे ही हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिले में जांजगीर चांपा के, जैसे हम लोग करते हैं हमेशा पड़ोसी जिलों के बारे में। तो जांजगीर चांपा जिले के पड़ोसी जिलों की बात करेंगे, तो सबसे पूर्व में रहेगा रायगढ़, इसका एक पड़ोसी। इसके बाद हमको मिलेगा पश्चिम में बिलासपुर जिला, इसका पड़ोसी। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा ऊपर में उत्तर की तरफ कोरबा जिला, और साथ में फिर मिलेगा बलौदाबाजार भाटापारा जिला। तो ये 4 जिलों से हमारा जांजगीर चांपा जिला घिरा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के गठन के बारे में बात करें, तो 1998 में इसका गठन होता है। 1998 में इसका गठन होता है। पूर्ण रूप से भू आविष्टित जिला है। आप देख सकते हैं इसकी सीमा, मैं हट जाता हूँ, इसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। केवल ये पूरे चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के जिलों से घिरा हुआ है, मतलब कि ये भू आविष्टित जिला है। जांजगीर चांपा के बारे में और दो तीन चीज़ें जो जानना है, 2011 की जो जनगणना होती है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला ज़िला, सबसे ज़्यादा डेंस आबादी वाला ज़िला जो है यहीं पर है। मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर जो लोगों की जनसंख्या है, लगभग 420 के आसपास यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म इलाकों में से एक है। यहाँ का जो चांपा क्षेत्र है, वो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो ये है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, हमारे जांजगीर चांपा जिले के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसके नेशनल हाईवे की बात करेंगे, तो दो सड़कें प्रमुख रूप से यहाँ से जाती हैं। एक जाता है नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49, और दूसरा जो हमारा जाता है, वो जाता है नेशनल हाईवे नंबर 149B। तो नेशनल हाईवे 49 जो बिलासपुर से रायगढ़ की तरफ निकलता है वो, और 149B जो कोरबा की तरफ जाता है वो, ये दो जो हैं इसके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अब बात करेंगे तहसीलों की, तो तहसीलें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, 14 तहसीलें हैं। तो तहसीलों को पकड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है जांजगीर तहसील, जांजगीर के बाद हमारी दूसरी तहसील आती है चांपा, चांपा से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बाराद्वार, बाराद्वार के साथ साथ उसी पे एक जो रोड है नेशनल हाईवे 49, उस पर आपको देखने को मिलेगा नया बाराद्वार। तो बाराद्वार जो है तहसील है, नया बाराद्वार तहसील नहीं है, याद रखिएगा। सक्ती, जिसके बारे में बात चल रही है कि इसी को काट कर एक जिला बनाया जाएगा, तो सक्ती, सक्ती के साथ बात करेंगे हम, एक सड़क जाएगी, इस सड़क पे हमको तहसीलें मिलने वाली हैं। मालखरौदा, मालखरौदा के बाद बात करेंगे तो डभरा, डभरा से आगे हम बढ़ते हैं, तो डभरा के आगे जब हम आगे बढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से सड़क पे, तो डभरा के आगे हमको मिलेगी जयजयपुर, जयजयपुर से जैसे आगे बढ़ेंगे बमनीडी, बमनीडी से आगे बढ़ेंगे तो हमारा शिवरी नारायण एक तहसील है। इसके अलावा नवागढ़ एक तहसील है, नवागढ़ से आगे बढ़ेंगे तो पामगढ़ है, पामगढ़ के बाद हमारी अकलतरा है, अकलतरा के बाद हमारी तहसील आगे जैसे सड़क बढ़ेगी बलौदा है, बलौदा के बाद हमारी पासारा गांव है। तो टोटल 14 तहसील, सबसे ज़्यादा तहसील वाला क्षेत्र में आता है ये। अगर नाम देखेंगे तो बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, फिर सारा गांव, जांजगीर, नवागढ़, शिवरीनारायण, बमनीडी, जयजयपुर, चांपा, बाराद्वार, सक्ती, मालखरौदा, डभरा, इतनी तहसीलें हमको देखने को मिलने वाली है यहां पर जांजगीर चांपा में। अगर बात करेंगे तो अलग अलग तहसील की अपनी अलग अलग कहानी है। तो वैसे हम लोग अगर एक एक जैसे पकड़ना शुरू करेंगे, तो जैसे अकलतरा है, तो अकलतरा अकाल पड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अकलतरा पड़ गया। ऐसी जांजगीर के बारे में बात करेंगे तो जांजगीर जो है जाजल्य देव द्वारा बसाया गया शहर था। जाजल्य तो प्रथम जो हमारे कलचुरी शासक थे, इसको इसको बसाए थे, नाम रखे थे जाजलपुर।
क्या नाम रखे थे इसका? जांजगीर चांपा का हमारा नाम रखे हुए थे जाजलपुर, इसका प्राचीन नाम था। इन्हीं के नाम से यहाँ पर प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव जो है मनाया जाता है। जांजगीर की बात करें पर्टिकुलर तहसील की, तो प्रतिवर्ष जांजगीर चांपा में जो जांजगीर एरिया है वहाँ, जिसका पुराना नाम जाजल्यपुर है, वहाँ पर प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है। इसमें बात करेंगे मंदिरों की, तो जांजगीर में एक पुराना विष्णु मंदिर है। ऐसा माना जाता है जब वो विष्णु मंदिर बन रहा था तो उसके जो डोम का काम है, ऊपर जो छत बनती है, उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाया और अभी तक वो पूर्ण नहीं किया गया, उसको वैसे के वैसा ही छोड़ दिया गया, अपूर्ण काम है, जिसके कारण उसको नकटा मंदिर कहा जाता है। विष्णु भगवान का मंदिर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नकटा मंदिर कहते हैं। निर्माण की अगर बात करेंगे ये तो सप्त शैली में उसका निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल आपको जांजगीर के पर्टिकुलर अंदर देखने ही मिलेगा। त्रिपुर सिंगार देवी माता का मंदिर है, इसके अलावा कई सारे वाटरफॉल हैं। वाटरफॉल के बारे में जैसे आप देखेंगे तो देवघाट वाटरफॉल है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो सोनमुड़ा वाटरफॉल है। तो ये जो सारे वाटरफॉल है, और भी बहुत सारे वाटरफॉल है, वाटरफॉल के मैडम है, मैडम ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारे चैनल पे आप पूरे छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल को वहां पे देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जांजगीर से बात करते हैं, आगे चलेंगे, चापा के बारे में बात करेंगे। तो चापा जो हमारी तहसील है, चापा तहसील छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कहलाता है। सबसे गर्म है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा चापा में आपको दो स्टील प्लांट देखने मिलेंगे, दो इस्पात संयंत्र देखने मिलेंगे, एक का नाम है प्रकाश और दूसरे का नाम है सोन। तो प्रकाश इस्पात संयंत्र और सोन इस्पात संयंत्र यहीं पर मिलते हैं जांजगीर की जगह चापा पे। जांजगीर चापा जैसे नाम है तो याद रखिएगा चापा में गर्मी है। गर्मी किस कारण से होती है? तो स्टील प्लांट के कारण से होती है। कैसे स्टील प्लांट है? प्रकाश, धूप पड़ रही है तो प्रकाश से नाम रख दे रहा है प्रकाश इस्पात संयंत्र। दूसरा सोन इस्पात संयंत्र है स्टील का, बट नाम क्या रखा गया है? सोन इस्पात संयंत्र। इसके अलावा दो पेपर मिल मिलेगी, एक मिलेगी मध्य भारत पेपर मिल और दूसरी आपको मिलेगी ब्रूक बॉन्ड। तो ब्रूक बॉन्ड चाय पत्ती जो रहती है, ब्रूक बॉन्ड आपको पता होगा, तो ब्रूक बॉन्ड चाय पत्ती से आपको पेपर मिल लेना है। इसके अलावा मध्य भारत पेपर मिल, ये दो पेपर मिल आपको लेना हुआ है। कहाँ पर लेंगे आप लोग इसको? तो इसको आप लोग लेंगे चापा के अंतर्गत। तो चापा के अंतर्गत आपको दो पेपर मिल मिलने वाली है। इसके अलावा यदि बात करेंगे जांजगीर चापा, जैसे मैंने कहा मध्य भारत पेपर मिल, याद रखिएगा मध्य पकड़िएगा, छत्तीसगढ़ के सबसे बीचों बीच का जिला जो है हमारा कौन सा आता है? जांजगीर चांपा जिला जो आता है हमारा, सबसे बीचों बीच का जिला आता है। इसके बाद और भी जगह पे है हमारी, आते हैं बाकी चीजों की बात करेंगे। जैसे शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति जो है सबसे छोटी देसी रियासत रही है। छत्तीसगढ़ जैसे 14 देसी रियासतों का समूह रहा है, तो सबसे छोटी देसी रियासत हमारी कौन सी थी? शक्ति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो नदी सिस्टम देखते हैं हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो जांजगीर चांपा, ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र में आता है। सबसे ज़्यादा सिंचित अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ का यही क्षेत्र है। रीज़न क्या है? महानदी और उसकी सहायक नदियाँ जो है यहाँ पर बहती हैं। तो महानदी जो है, महानदी का बहुत दिखेगा, महानदी की एक सहायक नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, वो यहीं पर आके जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण पे महानदी से मिलती है। अब शिवनाथ की बात करें तो शिवनाथ की एक सहायक नदी हम लोग लेंगे तो ऊपर से आती है कोरबा से लीलागढ़ नदी, द्वीप के पठार से निकलती है लीलागढ़ नदी और लीलागढ़ नदी आकर जांजगीर चांपा के समीप जो है शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अब शिवनाथ नदी जो है महानदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? शिवरी नारायण पे। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, तीन नदियों का संगम होता है हमारा शिवरी नारायण पे। तो तीसरी नदी जो है वो नीचे की तरफ से आती है और तीसरी नदी हमको मिलती है जोंक नदी। तो शिवरी नारायण की बात करते हैं। अब शिवरी नारायण क्या दिखता है? त्रिवेणी संगम दिखता है महानदी का, महानदी के साथ शिवनाथ का और शिवनाथ के साथ जोंक का, ये तीन नदियों का संगम होता है। शिवरी नारायण की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है यही वो प्राचीन स्थल है, रामायण कालीन स्थल है, जहां पर भगवान राम ने सबरी के जूठे फेर खाए थे। सबरी का आश्रम है यहां पर, सबरी के जूठे फेर खाए थे। सबरी क्या करती थी? भगवान राम को और लक्ष्मण को डोने में बेर देती थी। किसमें देती थी बेर? डोने में बेर देती थी। वो बेर जो डोना था वो किसका बना हुआ था? वट के पत्तों का बना हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा मान्यता है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो वाला वट का पेड़ आज भी मौजूद है। वो वट के पेड़ की महिमा आप देखिए कि वहाँ पर आज भी जो उसके पत्ते हैं वो डोने आकार के निकलते हैं। तो अद्भुत वट का पेड़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? शिवरी नारायण पर देखने को मिलेगा। शिवरी नारायण पर शबरी आश्रम है, जो बच्चों से गलतियाँ होती है ज़्यादातर वो शबरी मंदिर लगा देते हैं। शबरी मंदिर शिवरी नारायण पर नहीं है, शबरी का आश्रम है। इसके अलावा आपको देखने को क्या मिलेगा? चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर,
ये आपको शिवरी नारायण पे देखने को मिलेगा। नर नारायण मंदिर, ये भी आपको शिवरी नारायण में देखने मिलेगा। शिवरी नारायण में बहुत सारे मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर। तो कैसे याद रखिएगा, विष्णु के जो अवतार हैं, जगन्नाथ बोल लीजिए या नर नारायण, उनका मंदिर देखने को मिलेगा। इसके साथ विष्णु भगवान या राम जी किसकी पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते थे, तो चंद्रचूड़ महादेव मंदिर भी आपको शिवरी नारायण पे देखने को मिलेगा। शिवरी नारायण से आगे बढ़ते हम महानदी के ही ड्रेनेज पे चलते हैं, तो महानदी पे आगे चल के हमको क्या देखने को मिलता है, जस्ट शिवरी नारायण से 18 किलोमीटर दूर हमारी हस्तियों नदी जो है मिलती है, केलासिया देवी ऐसे कुछ नाम है जगह का। वहां पर जो है हमारी हसदेव नदी महानदी से विलीन हो जाती, महानदी में इसका संगम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक और नदी आएगी कोरबा से, बोराई नदी। बोराई नदी भी महानदी में संगम हो जाता है। इसके बाद एक नदी आती है ऊपर से हमारी, ये हमारी मेन पार्ट होते हुए रायगढ़ होते हुए आती है मांड नदी। मांड नदी और नीचे से हमारी आती है लाट नदी। तो मांड और लात में हट जाता हूँ, मांड और लात का संगम होता है पर्टिकुलरली जिस जगह पे, उस जगह का नाम है चंद्रपुर। तो चंद्रपुर पे संगम होता है मांड और लात का। तो दो जगह याद रखनी है, दो जगह कौन कौन सी, पहली आपको शिवरी नारायण जहाँ पे त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, दूसरा चंद्रपुर जहाँ पर मांड और लात का संगम होता है। फिर बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं कोटमी सोनार के बारे में बात करेंगे, तो कोटमी सोनार को देखते हैं। कोटमी सोनार पे याद रखने वाली बात क्या है, कोटमी सोनार एक ऐसी जगह है जहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो मगरमच्छों के संरक्षण के लिए फेमस स्थल कौन सा है, हमारा कोटमी सोनार है। आगे बढ़ते हैं, कोटमी सोनार के आगे बढ़ेंगे तो दलहा पहाड़ आएगा जो जांजगीर चांपा में पाया जाता है। कौन सी तहसील पे आएगा, तो कोटमी सोनार हो या आपका दलहा पहाड़ हो, ये अकलतरा तहसील के अंतर्गत मिलने वाला है। आगे चलेंगे तो कापन है, इसके साथ साथ मुक्ता राजा है। कापन और मुक्ता राजा जांजगीर चांपा के दो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, औद्योगिक विकास केंद्र हैं। आगे आएंगे हम लोग पीथमपुर, तो पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है कलेश्वर महादेव मंदिर। कलेश्वर महादेव मंदिर मिलता है हमारा पीथमपुर पे। आगे आएंगे बावनबाड़ी, तो बावनबाड़ी में प्राचीन किला है जो हमको मिलेगा जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो अड़भार में, अड़भार में आपको ताम्रपत्र देखने को मिलेगा और अष्टभुजी माता का मंदिर। अष्टभुजी माता का मंदिर और हमारा ताम्रपत्र मिलेगा कहाँ पे, अड़भार में। आगे बढ़ेंगे बालपुर, तो बालपुर हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों की जन्मस्थली कही जाती है। पर्टिकुलरली तीन जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार पांडे जी लोग यहीं पे जन्म लेते हैं और यहीं पे ये लोग अपना काम करते हैं साहित्यकार। तो साहित्यकारों की जन्मस्थली कौन सी है, बालपुर है। इसके बाद किरारी है, किरारी ऐतिहासिक स्थल है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ जगह से, किरारी क्या है, तो किरारी पे हमको काष्ठ स्तंभ मिला हुआ है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है किरारी हमारा, जहाँ पर काष्ठ स्तंभ मिला है। आगे जैसे लेंगे तो चंद्रपुर में वही हमारा मांड और लात का संगम, यहाँ पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। और यदि बात करेंगे तो गुंजी और तमोदरा आता है, तो गुंजी और तमोदरा ये फेमस हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो गुंजी में ऋषभ तीर्थ, ऋषभ तीर्थ का हमारा प्रतिमा मिली हुई है। इसके अलावा जो हमारे शासक हैं कुमार वरदत्त श्री, उनके बारे में यहाँ से हमको जानकारी मिलती है, उनका एक शिलालेख मिलता है। इस प्रकार से गुंजी जो है हमारा फेमस हो जाता है। इसके अलावा गुंजी में ही राम जानकी मंदिर भी है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राम जानकी मंदिर गुंजी में है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा एक प्लांट लगा हुआ है मड़वा और तेंदुघाट में, तो मड़वा प्लांट इसको जाना जाता है। 2015-16 से इसका जो है उत्पादन शुरू होता है। 1000 मेगावाट का ये प्लांट बनता है। 500-500 के दो यूनिट लगाए गए हैं यहाँ पर, 500-500 मेगावाट के दो यूनिट जो है काम कर रहे हैं। इसके द्वारा जो बिजली है तेलंगाना के साथ टाई अप की हुई है सरकार, अगले 9 सालों तक इससे बनने वाली विद्युत जो है वो तेलंगाना को मिलने वाली है। जैसे इसका काम शुरू होता है छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस हो जाता है। मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में जितनी बिजली की डिमांड नहीं है, छत्तीसगढ़ उससे ज्यादा जो है हमारी बिजली का उत्पादन करने लगा है। आगे बढ़ेंगे हमारा आखिरी चीजों को देखेंगे तो आखिरी हमारा एक जगह बचती है खरौद, जो जांजगीर चांपा जिले में इंपॉर्टेंट हो जाती है। खरौद, खरौद का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रपुर। इसको बसाता कौन है, तो इसको बसाते हैं हमारे इंद्रबल बसाते हैं खरौद। खरौद में एक मंदिर है जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में इनको किसने बसाया था, ईशान देव ने बसाया था, पांडुवंशी रहते हैं ये, ईशान देव बसाते हैं इस मंदिर को, बनाते हैं हमारी। इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है, लाखाचोर मंदिर।
यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर 1 लाख चावल, 1 लाख या 1.25 लाख चावल देने की जो है परंपरा है, इसका जीर्णोद्धार हमारे रत्नदेव तृतीय जो है करवाते हैं। यहाँ तक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने फास्ट में करने की कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपको समझ में आए, एक क्विक रिविजन के हिसाब से लेंगे। अब मेन बात करते हैं, जिला का विभाजन कैसे होगा, सक्ती जिले का विभाजन कैसे करने वाला। तो एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, सक्ती जो जिला बनने वाला है, सक्ती जिले में हमारी निम्नलिखित तहसीलें आएंगी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, तो आप जैसे देख रहेंगे तो आपको सक्ती के अंतर्गत जय जयपुर, माल खरौदा, बम्हनीडीह और डबरा, ये तहसीलें जो हैं वो सक्ती के साथ बनने वाली हैं। तो इन फ्यूचर यदि सक्ती बनता है, और सक्ती का मैप जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनने के रहेगा, तो जब आप पढ़ेंगे तो सक्ती को अलग से करते समय आपको केवल क्या ध्यान रखना रहेगा, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी कौन सा है, ये सारी चीजें आपको वहां पे नोटिफिकेशन पे ही मिल जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं रहता, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस निकालती है उस पे सारी चीजों की जानकारी रहती है। डाटा चेंजेस होंगे, डाटा कैसे चेंजेस होगा, तो जनगणना के आंकड़े बदलेंगे, क्षेत्रफल के आंकड़े बदलेंगे, जो हम लोग इस वीडियो में जान के कवर अप नहीं कर रहे हैं कि जांजगीर चांपा जिले का क्षेत्रफल कितना है या क्या चीजें हैं। जो नई तहसीलें बनी हैं उसको भी हम लोग अभी नहीं डाल रहे हैं, जैसे 25 तहसीलों की घोषणा होती है तो वो तहसीलों के बारे में हम लोग इसमें नहीं डाल रहे हैं, 14 को लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी तक वेबसाइट पे वही है। जैसे जैसे ऑफिशियल होते जाएंगी चीज़ें, वैसे वैसे हम लोगों को वो चीज़ करना है। आपको ध्यान क्या देना है, जो चंद्रपुर है या डफरा है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग जांजगीर चांपा में बढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिक स्विच कहाँ हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी। तो एक कोशिश हमने की है कि आपको हल्का सा समझा सके कैसे कैसे काम करेगा, सक्ती जिला बनेगा तो क्या चीज़ें आएंगी, जांजगीर चांपा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप वो मैप में देख सकते हैं, जो एरिया हाईलाइटेड हो रहा है वो संभावित है कि सक्ती में जाएगा। इन केस इसमें यदि कोई चेंजेस होते हैं तो जैसे भी बनेगा हमारा, जैसे भी ऑफिशियल आता है नोटिफिकेशन, हम कोशिश करेंगे अगले दिन आपके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर आएँ। और इतना ही था आज की वीडियो के लिए, बाकी चीज़ें जैसे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ जानकारी लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बाकी चीज़ों की जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑफिशियल होगा ये हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर है कि वो कैसे काटना चाहती है, तो प्रशासनिक केंद्र के अंदर या प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, सख्ती के ऊपर भी ले सकती है, नीचे भी ले सकती है। तो अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं हमने केवल उसकी बात की है। तो इतना ही था आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।